देखिए बच्चों, विक्टर मेयर को क्या बोलना है, ये ट्रिक है। विक्टर मेयर को बोलना है पहन। विक्टर मेयर को क्या बोलना है, पहन। और वो कुछ भी पहने, कपड़े पहने, कुछ भी पहने, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें विक्टर मेयर को क्या बोलना है, पहन। क्या बोलना है, पहन। यानी आप लोगों ने क्या बोला, विक्टर मेयर को पहन। क्या बोला, विक्टर मेयर को पहन। बच्चों ध्यान रखना, विक्टर मेयर को क्या बोलना है, पहन। और सीधा सा आप लोग इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, पहन बोला, इसमें पी का मतलब क्या है बच्चों, फॉस्फोरस। और आई टू है इस पी का मतलब। इस ए का मतलब क्या है बच्चों, ए जी एन ओ टू है। और इस एच का मतलब क्या है बच्चों, एच एन ओ टू है। और इस एन का मतलब क्या है बच्चों, एन ए ओ एच है। यानी हम लोगों ने बड़ी आसानी से विक्टर मेयर के सारे रिएजेंट को याद कर लिया। बड़ी मुश्किल सी बात होती है विक्टर मेयर के रिएजेंट को याद करना, पर आप लोगों ने एक ही सेकंड में क्या कर दिया, विक्टर मेयर के रिएजेंट को याद कर दिया। यहाँ तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, तो देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो सबसे पहले बच्चों प्राइमरी अल्कोहल बना दीजिए। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या बना दिया, प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल। फिर हमें क्या करना है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, टर्शरी अल्कोहल बनाना है। तो भाई बड़ी आसान सी बातें हैं, ये तो हमें आती है सबके सब बातें। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, टर्शरी अल्कोहल भी बना लिया। बड़ा ही मज़ेदार सा फंडा है, कुछ भी नहीं करना है, विक्टर मेयर को पहन बोलना है। क्या बोलना है, पहन। अब देखिए इसकी रिएक्शन बच्चों सबसे पहले किस रिएजेंट से करवानी है, तो ये लिखा हुआ भाई साहब हमें रिएजेंट। तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, इस फॉस्फोरस आयोडीन को यहाँ लिख लेना है। अगले में भी क्या करना है भाई, यहाँ पे फॉस्फोरस और आयोडीन को यहाँ पे लिख लेना है। अगले में भी क्या करना है, हमें फॉस्फोरस और आयोडीन को लिख लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी बातें हैं, कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करेंगे भाई, फॉस्फोरस आयोडीन की रिएक्शन करवाएंगे। और क्या करेंगे, देखना थोड़ी है इसको बैठे बैठे। तो ये जो ओएच है, ये जो ओएच है, ये जो ओएच है, इसको हटा के हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे आयोडीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे आयोडीन लगा देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू आई। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री आई। और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोलो भाई साथ के साथ, बोलते रहो बोलते रहो। तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। भाई हम लोगों ने फर्स्ट रिएजेंट की रिएक्शन तो करवा दी। सब्सक्राइब करिए भाई, सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए। आपको भी मज़ा आता रहेगा, हमें भी मज़ा आता रहेगा। तो देखिए फर्स्ट रिएजेंट हो गया फॉस्फोरस आयोडीन। अब भाई साहब सेकंड रिएजेंट क्या है, सेकंड रिएजेंट है ए जी एन ओ टू। तो हम ले लेते हैं बच्चों क्या, ए जी एन ओ टू। तो इधर भी हम रिएक्शन किससे करवाएंगे भाई साहब, ए जी एन ओ टू से करवाएंगे। तो ये हम लोगों ने क्या लिख लिया, यहाँ पे ए जी एन ओ टू। उसके बाद यहाँ पे भी हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, ए जी एन ओ टू से। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिख लिया, ए जी एन ओ टू। बड़ी ही आसान सी रिएक्शन है। अब देखिए क्या होगा, ये Ag और ये आयोडीन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। ये Ag ये आयोडीन यहाँ से बाहर चला जाएगा, ये Ag और ये आयोडीन यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो बचा क्या, जो भी बचा उसको चुपचाप से लिख दो। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, सी एस थ्री सी एस टू। Ag आयोडीन तो बाहर चला गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ NO2। तो क्या लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, NO2। अगली में देखिए सी एस थ्री, ये सी एच, ये सी एस थ्री, ए जी आई तो चला गया अपने गांव, तो बचा क्या बच्चों, यहाँ पे NO2 बचा। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ए जी और आयोडीन तो अपने घर चला गया, तो बचा क्या, यहाँ पे सी एस थ्री, ये सी, ये सी एस थ्री सी एस थ्री, और यहाँ पे क्या आ गया, NO2। भाई साहब बड़ी ही आसान सी रिएक्शन है, सेकंड रिएजेंट से भी हम लोगों ने रिएक्शन करवा दी। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें मिटाना पड़ेगा, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। हाँ जी ले लिया होगा, तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं और रिएक्शन को हम फिर से लिखते हैं एक बार, क्योंकि ये आप लोगों को साइड वाला दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है। चलिए जी, ये वाला आपको दिखाई नहीं दिया होगा, इधर इधर मैंने लिखा है, मैं आपको एक बार फिर से इधर तो लिखा के लिख के दिखाई दूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इस प्रकार से, सी एस थ्री, ये सी, ये सी एस थ्री, यहाँ पे लिखा है मैंने NO2,
और यहाँ मैंने नीचे लिखा है सीएंस थ्री, दिखाई दे रहा होगा अब तो आप लोगों को, मेरे को देखने दीजिए एक बार, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए कोई बात नहीं, नीचे सबसे लास्ट में सीएंस थ्री है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ एन ओ टू चिपकाना है, यहाँ पे एन ओ टू चिपकाना है यहाँ, और कुछ भी नहीं करना है। अब हम आगे के रिएक्शन को, नीचे यहाँ पे जगह नहीं है तो हम ऊपर समझ रहे हैं, भाई साहब हम लोगों ने फॉस्फोरस आयोडीन का काम यहाँ पे कर दिया, सेकंड में हम लोगों ने ए जी एन ओ टू का भी काम कर दिया, अब बचा क्या हमारे पास, एच एन ओ टू बचा है। तो आप लोगों के पास जो भी लिखा हुआ है इसको पहले ऊपर लिख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हम लोगों ने लिख लिया, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ये ऊपर वाला, हाँ जी दिखाई दे रहा है। चलिए जी फिर अगला कौन सा है, ये वाला सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री एन ओ टू, फिर कौन सा है सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री और एन ओ टू, ठीक है जी। अब हमें काम किसका करवाना है, एच एन ओ टू का काम करवाना है। अब इसको समझना भाई साहब, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है, किसका काम करवाएंगे हम, एच एन ओ टू का, किसका काम करवाएंगे हम, एच एन ओ टू का, और किसका काम करवाएंगे हम, एच एन ओ टू का। अब बात ये आती है कि एच एन ओ टू काम कैसे करेगा, तो मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा एच एन ओ टू को समझाने के लिए। तो देख लीजिए आप लोग समझिए भाई, एच एन ओ टू जो होता है क्या, एच एन ओ टू जो होता है बड़ी ही मज़ेदार रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले एच एन ओ टू की हमें स्ट्रक्चर आनी चाहिए। देखिए एच एन ओ टू को बनाते हैं, ये है नाइट्रोजन, एक साइड में होता है डबल बॉन्ड ओ और एक साइड में होता है सिंगल बॉन्ड के साथ OH। ये क्या है आप लोगों का, एच एन ओ टू, क्या हो गया एच एन ओ टू। अब बात ही आती है कि एच एन ओ टू काम कैसे करता है। बच्चों ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पास आपके कंपाउंड में सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप रिएक्शन किससे करवाओगे, इस OH से। एच एन ओ टू की खास बात यह है कि एच एन ओ टू जो है वो इधर से भी काम कर सकता है और इधर से भी काम कर सकता है, यानी OH भी वो भगा सकता है और O को भी वो भगा सकता है। लेकिन बात ये आती है कि कैसे वर्क करेगा ये, अगर एक ही हाइड्रोजन अल्फा पोजिशन पर प्रजेंट है तो वहाँ से ये वाला जो OH है वो काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन इसे मिलेगा तो बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, यानी H2O यहां से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कंपाउंड में दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो दो अल्फा हाइड्रोजन, तो काम कौन सा करेगा, ये वाला ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, H2O। समझ गए होंगे आप लोग, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना कि HNO2 काम कैसे करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटा देते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए जी ले लिया होगा, चलिए तो समझ तो गए होंगे काम कैसे करवाना है। चलिए तो HNO2, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि कितने हाइड्रोजन है अल्फा पे उसके अकॉर्डिंग HNO2 काम करेगा। इधर हम छोटा सा बना लेते हैं HNO2, ये डबल बॉन्ड हो और ये OH, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला कौन सा है अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, दो। और जब जब दो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तब वो दोनों अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आके इसको बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, तो देखो बच्चों CH3 को ऐसे कैसे लिखना है, लिख लिया। कैसे वर्क होगा यहाँ पे, कैसे वर्क होगा, ये O और वो H2 बाहर निकल जाएगा, समझना, ठीक है। तो ये दोनों H2 बाहर निकल गए, बचा गया सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन बचा, और NO2 ऐसा का ऐसा ही है, सिर्फ यही वाला तो काम कर रहा है दोनों हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन तो यहाँ से चले गए दोनों हाइड्रोजन। बचा क्या है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड हो तो ये डबल बॉन्ड हो, फिर क्या है N और OH, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, समझ गए होंगे आप लोग, कुछ भी नहीं करना है, ये आप लोगों के पास था। यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन अगर हमारे पास है तो ऑक्सीजन के साथ H2O के रूप में बाहर निकल गए, यानी H2O चला गया, तो बचा क्या, डबल बॉन्ड NOH। तो मैंने यही तो करा है, डबल बॉन्ड NOH, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन गए और बचा क्या, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। अब बात ही आती है कि सेकेंडरी में कैसे काम करेगा, इसमें देखो
कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है बच्चों, एक ही हाइड्रोजन है। और जब जब एक हाइड्रोजन होता था, जब जब एक हाइड्रोजन होता था तो क्या बाहर निकलता था, ये वाला ओंच काम करके यहाँ से H2O बाहर निकलता था, देख लीजिए आप लोग। तो अब ये वाली रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ये H मिलके H2 और ये O क्या बन जाएगा, H2O। इसका मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो निकाल दो, तो क्या होगा CH3 CH3। इस CH3 को हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इस वाले CH3 को, ये CH3 या NO2, मैंने कुछ भी नहीं कराया बच्चों, समझिए आप लोग, ये CH3 यही है, ये कार्बन यही है, ये CH3 यही है, ये NO2 यही है। बात क्या हुई, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन इस ओएच के साथ H2O के रूप में बाहर चला गया, बचा क्या NO, क्या बचा N डबल बॉन्ड O। तो N डबल बॉन्ड O को आप यहाँ पे लगा दीजिए, बस ये रिएक्शन हो गई। इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रोल, यानी झूठा नाइट्रोल। ये तो था नाइट्रोलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि यह एच यहाँ से डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एच नहीं है, यह एच डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रोल। तो इसे हम क्या लिख देते हैं, स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी, बताओ इस कार्बन पे, इस बीच वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन है क्या, इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन है क्या, दिमाग लगा के बताओ। तो आप बोलोगे नहीं जी, इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। क्या बोला आप लोगों ने, इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या यहाँ से कोई भी रिएक्शन होगी क्या, क्या यहाँ पे HNO2 के साथ कोई भी रिएक्शन होगी क्या। भैया हाइड्रोजन ही नहीं है, हमने कंडीशन क्या रखी थी, HNO2 के साथ रिएक्शन तभी होगी जब इधर तो क्या मिले हमें, दो हाइड्रोजन, और इधर क्या मिल जाए हमें, एक हाइड्रोजन, तभी क्या होगी, HNO2 के साथ रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या रिएक्शन होगी भाई, काय की रिएक्शन, जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो काय की रिएक्शन, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, तो आप लोगों को क्या लिख लेना है, नो रिएक्शन। तो पहन में हम कहाँ पहुँच गए भाई, देखिए कितने रिएजेंट ले लिए, क्या था हमारे पास, पहन था, क्या था हमारे पास, पहन था। पह का मतलब क्या था यहाँ पे, फॉस्फोरस प्लस I2। ए का मतलब क्या था बच्चों यहाँ पे, AgNO2। H का मतलब क्या था यहाँ पे, HNO2। और N का मतलब क्या था, NaOH। तो हम लोगों ने भाई साहब इस HNO2 तक का काम करवा लिया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, NaOH। तो अब हमें किसकी रिएक्शन करवानी है, NaOH की रिएक्शन करवानी है। तो अब आप समझिए, अब आपको पता लगेगा, ठीक है, अब इस नाइट्रोलिक एसिड में, इस नाइट्रोलिक एसिड में आप लोगों ने क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया, क्या मिला दिया, NaOH। इसमें भी आप लोगों ने क्या मिला दिया भाई, NaOH मिला दिया, तो लिख लीजिए ये हम लोगों ने मिला दिया NaOH, और इसमें भी आप लोगों ने क्या मिला दिया, NaOH। रिएक्शन तो करवानी है कंप्लीट। चलिए अब देखिए, जैसे ही इसमें आप NaOH मिलाते हो तो रेड कलर आता है, लाल रंग आ जाता है बच्चों। कैसा कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है। इसमें जैसे ही आप NaOH मिलाते हो तो बच्चों ब्लू कलर आ जाता है। क्या कलर आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है। और इसमें आप जैसे ही NaOH मिलाते हो कोई भी कलर नहीं आता है, यानी ये क्या हो जाता है, अपना कलर लेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही। अब देखिए आप लोग शुरुआत में क्या कर रहे थे, इसे आप लोग समझिए। शुरुआत में आप लोगों ने क्या करा था, तीन बीकर लिए थे। अब तीन बीकर में आपने पहन लगाया, क्या लगाया, पहन। तो पहन लगाते ही आप लोगों ने देखा कि भाई एक बीकर जो है वो रेड कलर दे रहा है, एक बीकर ब्लू कलर दे रहा है, और एक बीकर तो कलरलेस है। तो अब हमें समझ में कैसे आएगा कि किस बीकर में प्राइमरी था, ये तो हम रिएक्शन से समझ रहे हैं, पर वहाँ पर हम कैसे समझेंगे। तो आप के जैसे ही ब्लू कलर, रेड कलर, कलर लेस आता है, आप भागे भागे जाते हो, और भागे भागे जाके लेब में एक बुक पड़ी है, उस बुक को उठाते हो, और उस बुक में अल्कोहल में जाते हो, और साइंटिस्ट भाई साहब ने क्या लिख रखा है, साइंटिस्ट भाई साहब ने क्या लिख रखा है कि जब आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रोसेस फॉलो करोगे, तो जब आपका किसी भी बीकर में जहाँ पर रेड कलर आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। फिर अगला पन्ना पलटा, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइंटिस्ट भाई साहब ने,
साइंटिस्ट भाई साहब ने लिखा हुआ है कि अगर ब्लू कलर आ जाता है तो वो आपका कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर आगे पन्ना पलटा, फिर बुक में लिखा हुआ है अगर कलर लेस है यानी कोई भी कलर नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा यानी तृतीयक अल्कोहल। तो बुक में क्या लिखा हुआ था, अगर रेड कलर आता है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर ब्लू कलर आता है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और अगर कलर लेस आता है तो टर्शरी कलर होगा, सॉरी टर्शरी अल्कोहल होगा। तो आप लोगों ने समझ लिया बड़ी ही आसानी से कि विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है। तो विक्टर मेयर को क्या बोलना है बच्चों, पहन बोलना है, क्या बोलना है, पहन। और फिर आप लोग सिंपल क्या लिखोगे, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो रेड कलर आता है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ब्लू कलर आता है, और 3 डिग्री अल्कोहल है तो कलरलेस होता है। और सिंपली आप लोगों ने क्या कर लिया, इन तीनों अल्कोहल में क्या कर लिया भाई साहब, विभेद कर लिया, क्या कर लिया, विभेद कर लिया। बड़ी ही आसान सी रिएक्शन थी, कुछ भी हमें याद नहीं करना है, बस विक्टर मेयर को क्या बोलना है, पहन बोलना है, विक्टर मेयर को क्या बोलना है, पहन बोलना है। अब हम चलते हैं ल्यूकास टेस्ट की तरफ।